मेले में झमेला हो गया दोस्तों, क्या बताएं, कुछ कहने लायक नहीं है, लास्ट तक वीडियो देखना। मुझको नहीं मिला। तो यहाँ नाना हमारे बेच रहे हैं चाट, देखिए कुछ इस तरह दुकान लगे। काहे मिचवा धरे है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मम्मी के घर का है, थोड़ा क्लिप जोड़ देंगे। और देखिए हमारी बिटिया रानी सब बैठी हुई है, मैं शाम को चली आई थी और वीडियो देख कर आप सबको पता चल जाएगा। और सबके आज सभी लोग अपना बाल बांध ही हैं। अंजलि कैसा लगा बाल? अच्छा है। तो गुंजन सब लोग बांध ली हैं। तो नमस्ते कर लो सब लोग। नमस्ते। नमस्ते। लड़की बटनिया करिए कायजो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अंजलि देखते ही कैमरा लड़की बटनिया करिया करवाने में लग जाती है ना। क्या खा रही हो? गुदरी खा रही है, मटर। तो लास्ट तक आप तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना। लास्ट तक आप सब वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। यही गांव का असली मेला है दोस्तों, आप सब लास्ट तक देखना। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप सबको बताई थी, जो कल वाला वीडियो आप सब देखे होंगे। तो यहाँ हमारे नाना देखिए दुकान लेकर आए हैं, मैं बोली थी कि दुकान लगाए हैं और मम्मी। तो नाना यहाँ चाट बेच रहे थे और साथ में नल्ली भी लाए थे, और यहाँ चंदन के पापा बैठे हैं। ये देखिए नल्ली ये रखा हुआ है, और यहाँ धूप है दोस्तों, कड़कती धूप में नाना यहाँ बेच रहे हैं। सब दुकान वाले छाता लगाए हैं लेकिन नाना के पास छाता नहीं था, तो चाट यहाँ बेच रहे हैं। इतनी उम्र में हमारे नाना इतना सब इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, काश इनके पास भी एक बेटा भगवान दिए होते तो आज इनके सहारा बनकर होता, कमा कर खिलाता। और हमारी मम्मी ही सिर्फ हैं नाना के, तो मम्मी क्या करें। तो दोस्तों यहाँ नाना देखिए, और अब क्या ज़्यादा मैं बोलूँ, जाकर तो जी दुखी हो ही जाता है। और बस आप सबका आशीर्वाद और सपोर्ट मिलता रहेगा, आगे हो सकेगा तो कुछ समर्थन नाना का ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी तो दोस्तों अपने में लगी थी, क्या करूँ, हमें भी बीच बीच में परेशानी दिक्कत आता है। और भगवान हमारे नाना को थोड़ा फुर्सत दें, अब इस उम्र में इतना काम करते हैं तो इस बात से दुख है दोस्तों। यही होता रोना, बेटी का जन्म होता है ना, तो अपनों का दुख हो या सुख हो उससे क्या करें, हम देखकर सिर्फ एहसास कर सकते हैं। और आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ मेला में आकर झमेला हो गया हम दोनों के बीच में, देखिए चश्मा मेरे साड़ी में किसी का लटक रहा है, पता नहीं कहाँ से ये चश्मा आ गया। चंदन के पापा भी दो चार बात हमें खरी खोटी सुनाए, और पता नहीं किसी बच्चे का है क्या है, जालीदार मेरा साड़ी था तो भीड़ इतना था साड़ी में लटक गया है, और हमें कुछ नहीं मालूम कि ये कहाँ से चश्मा आया। तो वही वो हंस रहे थे कि चश्मा लेकर कहाँ से चली आई, किसका चश्मा है। और फिर क्लिप जोड़ दे रही हूँ, एक बार देख लीजिए आप सब ध्यान से, यही होता है, ये शक का बीमारी है। तो अब बोले चश्मा कहाँ से लग गया, और मम्मी साथ साथ में चल रही थी हमारी, देखिए इस उम्र में भी उंगली उठता है हमारे ऊपर। तो चंदन के पापा नाराज थे इस बात से, और क्या कर सकते हैं दोस्तों। और इधर देखिए भीड़ लगा है मेले में, सभी लोग यहाँ हैं, बहुत भीड़ था दोस्तों, जो मैं उधर साइड नहीं उतना जा पाई, किनारे किनारे वीडियो बनाई, क्योंकि मोबाइल को बचाना ज़रूरी था, भीड़ में कोई मोबाइल ही छीन ले जाता, वही होता ना गरीबी में आटा गील। तो मम्मी देखिए नाना वहाँ धूप में बैठे थे, थोड़ा नाना को चक्कर आ गया तो नाना वहाँ से उठकर चले गए, मम्मी बेचने लगी, और यहाँ मैं दिखा रही थी सब, और पापड़ खा रही थी दोस्तों, मुँह में लगा भी होगा। तो यहाँ सभी लोग को दिखा रही थी सही से। तो देखिए गांव का हमारे मेला, गांव में मेला इसी तरह लगता है ये। और आप सब फिल्मों में तो मेला बहुत देखे होंगे, लेकिन असली वाला मेला यही है गांव का। तो यहाँ मंदिर के पास का थोड़ा लोकेशन मैं शूट कर ली थी,
और यहाँ ये पीपल का पेड़ है पीछे, और देखिए इधर साइड आ गई हूँ। कितना भीड़ है, इतना मैं भीड़ में तो गई नहीं थी दोस्तों। और ये हमारे नाना के घर से 4 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों ये स्थान। तो यहाँ के मतलब कई 500 गांव से लोग मेला देखने आते हैं। मैं आधे ही मेला का वीडियो शूट कर पाई हूँ, बाकी अभी उधर सब साइड लोग भरे हैं। इतना सांस नहीं दोस्तों कि कहीं पर पैर रखने का, और हम तो भीड़ में जाते नहीं हैं मेला में। और यहाँ मम्मी खड़ी हैं, मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो वो भी थोड़ा दुखी। मंदिर प्रांगण से नीचे हो जाए, मंदिर समिति के लड़के जहाँ भी हो के ऊपर आ जाए। अब ये खिलौना सबका दिया खत्म है। साइड हो जा, तुम तो खाए भी भैया है हराओ। तो दोस्तों मैं घर पे आ चुकी हूँ, और मैं गई थी वहाँ मेला लगा था जहाँ पर। तो दोस्तों मैं बचपन में हर बार शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी वहाँ पर, और अब की 7 साल बाद मैं गई वहाँ। और दोस्तों मैं मन्नत मांगी थी, माथा टेकने गई थी और माथा टेक के चली आई। और दोस्तों यहाँ पर मैं बच्चों के लिए मिठाई लाई हूँ, और कुछ हमारा पसंदीदा मिठाई है दोस्तों। मैं पहले बहुत ये वाला मिठाई खाया करती थी, और वैसे अंधेरा है तो साफ दिख नहीं रहा होगा। इस मिठाई का हमें नाम भी नहीं पता है, तो नजदीक से दिखा दो। तो देखिए ये कुछ है, इस तरह है ये। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो यही मिठाई हमने ली है। मम्मी अगर निकाल दिखाओ। तो यहाँ प्रसाद में हलवा मिल गया था, मैं हलवा भी ले आई हूँ। चाट है और ये पेठा वाला मिठाई है। और हमारी अंजलि सुबह जाते वक्त बोली थी कि असली वाला कार लाना। देखिए अंजलि के लिए असली वाला कार ले आई हूँ, है ना अंजलि? असली वाला कार। हाँ तो बच्चों को मिठाई देते हैं खाने के लिए। तो ये ज्यादा बड़ा बड़ा फीस है, ये लो। मुझको नहीं मिला। तो यहाँ सभी बच्चों को मिठाई मैं दे दी हूँ और खा रहे हैं, और पेठा भी है। आ जाओ अम्मा। तो दोस्तों हम जलेबी नहीं लाए उतनी दूर से, वो चावल की तरह भात हो जाता है एकदम नरम सा। तो यही मिठाई लाई हूँ, दो मिठाई। तो अभी चंदन के पापा भी खाने जा रहे हैं, हम सब भी खाएंगे, और मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। चंदन कहीं गए हैं घूमने। तो ये मिठाई कैसा लगा? हमारे बच्चे पहली बार अच्छा खा रहे हैं, है ना अंजलि? तो हम बचपन में, तो दोस्तों ये बचपन में हमारा बहुत मनपसंद मिठाई था। यही मिठाई मैं हर बार खरीदवाती थी अपने पापा से, मम्मी से भी, नाना से भी। तो और या तो छेना वाला मिठाई, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद यही वाला मिठाई था। तो ये बिल्कुल घी में बना है या डालडा में, पता नहीं। तो हम खा रहे हैं, आप सब भी आकर खा लीजिए। मजा आ गया। हर चीज खाकर मजा आ जाता है। तो यहाँ सब लोग हमको कह रही हैं कि मैं मम्मी की इतना बड़ी हो गई, तो सब लोग हमारे जितना हो गई आज, है ना? हाँ अंजलि थोड़ी सी छोटी है, बाकी गुंजन तो हमारे इतना बड़ी हो गई, शीतल। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको सीधा खड़ी हो सामने देखो, हाँ दिखाओ। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।
लड़की बटनिया करिया कर दियो। ये वाह हमारे बेटे।